दिल्ली के बॉर्डरों पर लगातार एक साल से संघर्षशील किसानों की तीन कृषि कानूनों पर वापसी पर जीत तो हुई है, लेकिन संघर्ष ऐसा वैसा संघर्ष नहीं, ऐसा संघर्ष जिसमें पसीने के साथ खून बहा गया, जो कहीं पर भी बैरिकेडिंग हुई, लाठीचार्ज हुई, उसके बाद जीत हुई है। प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भाई। आपको तीन कृषि कानूनों की वापसी पर और हांसी के मोर्चे की जीत पर बधाई देते हैं। आपको भी बधाई हो, लेकिन ये जीत हमारी जो है अभी तक कोई जीत नहीं हुई है, ये एक जीत का थोड़ा सिलसिला शुरू हुआ है। असलियत में क्या है, जीत ये जीत नहीं मानी जाती, जहाँ हम थे वहीं पे घूम घाम के एक साल के बाद वहीं पे आके खड़े हो गए हैं, ठीक है। क्यों, जो हमने इसमें जीत में पाया कुछ नहीं है, सिर्फ खोया ही खोया है अभी तक। हमने 750 से ज़्यादा जो है किसानों की शहादत दे दी है, लेकिन मिला क्या है, मिला जो कानून जो लागू किए थे वो तो होल्ड तो पहले ही जो है कर दिए थे कोर्ट ने, लेकिन क्या है अभी इन्हें निरस्त कर दिया, तो हम तो वहीं पे है, पोजीशन तो हमारी वही है। लेकिन अभी क्या है, खास लड़ाई क्या है, MSP पे जो है गारंटी कानून बनेगा, ठीक है, तब जो है हम जीत का एहसास करेंगे भी हमारी जीत वाक्य में हुई है। और ये संघर्ष जो है जारी रहेगा। हमारा पहला मुद्दा है MSP पे गारंटी कानून, जो C2+ जो है 50 जो है वो लागू होगा, उसके बाद जो है बिजली बिल विधेयक जो है पारित किया जाएगा, उसके बाद जो पराली पे कानून जो है वो बनाया जाएगा। अभी जो बार बार जो है जुर्माना और दंडित करते हैं वो नहीं होगा, तो ऐसी मांगे बहुत हैं। अभी किसानों पे जो है केस जो लागू हैं, चालू कर रखे हैं, वो केस वापस होंगे, खारिज होंगे। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको जो है सरकारी जो है सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से उनको जो है उचित मुआवजा और उनके परिवार से, उनके घर से एक एक सरकारी नौकरी ये मिलती है, तब जाके हम जो है इसको आंदोलन की जीत मानेंगे। राष्ट्र जो गुरु पर्व था जी, उस दिन राष्ट्र के नाम एक संदेश प्रधानमंत्री आकर जारी करते हैं, कहते हैं कि तीन कृषि कानून वापस ले लिए, अब किसान अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन इसका विपरीत हुआ। हाँ, किसानों की जो संख्या लगातार कह रहे थे घट रही है, अचानक से दिल्ली के चारों बॉर्डरों के ऊपर एकदम से जनसंख्या और बढ़ गई है। क्या लगता है कि जनसंख्या है ये अपनी जो सारी मांगे हैं ये मनवा के ही वापस आएगी, या फिर कुछ अलग कुछ चल रहा है? अलग कुछ नहीं चल रहा है, ये जो है मोदी की ये एक भ्रमित करने वाली बात थी। इन्हें सोचा था कि भाई जो हम वापस कर देंगे और जो है जनता वापस उठ के चली जाएगी। जनता इतनी सियानी हो चुकी है, और शाने तो इन्होंने करवा दिए। क्यों करवा दिए, इन्होंने झूठ का पुलंदा इतना मारा है कि हर बात पे झूठ ही झूठ बोली है। इसका विश्वास जो है, एक कोई भी है, कोई गिरे हुए इंसान का विश्वास कर सकता है, लेकिन इनका विश्वास अभी ख़त्म हो चुका है। जनता हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ये तीन कृषि कानून, जो कि वह खुद कह रहे हैं कि हम एक साल से संघर्षरत थे सरकार के साथ कि तीन कृषि कानून वापस ले लिए जाएँ, लेकिन इससे अलावा दुष्यंत चौटाला का खुद का भी बयान आया था, उनके पिताजी अजय सिंह चौटाला का बयान आया कि जो तीन कृषि कानून हैं, कानून बनाए जाते हैं लेकिन वापस नहीं लिए जाते, इससे अलावा बयान जारी कर रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्रेडिट किसी को नहीं मिलता, ठीक है। ये क्रेडिट लेने वाले होते, इन्होंने पहला कहा था कि भाई हम जो है जब भी महसूस करेंगे हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोला किसानों के बारे में। ये उल्टा ही जो है बात करते रहे और जो है किसानों की सुनी नहीं, यहाँ किसानों को आपस में पुलिस के साथ टकराते रहे, ये इनकी एक साजिश थी। और ये जो अभी क्रेडिट लेना चाहते हैं, इनको क्रेडिट नहीं है। एक पहले रावण जो है त्रेता युग में हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो है रावण पैदा नहीं हुआ। अभी जो है कलयुग में ये रावण का कुछ छोटा सा अंश अभी पैदा हुआ है कलयुग में, जिसका नाम मोदी है, और उसके छोटे छोटे अंश जो है, ये जो खट्टर हो गया, दुष्यंत हो गया, ये जो है उसके अंश के अंश हैं, ठीक है। तो ये रावण ना तो पहले हुआ और ना बाद में हुआ, अभी ना तो ऐसी सरकार कभी पहले आई और ना आगे आएगी। कृषि कानूनों की वापसी जी, लेकिन किसानों के हौसले का एकदम से बढ़ना जी, क्या लगता है? देखो, इसमें हम थोड़ी उम्मीद कायम कर सकते हैं कि अभी तीनों काले कानून जो सरकार से एक साल के लगभग चला गया,
उसमें अभी उन्होंने रिटर्न में नहीं दिया है। और ये बात हुई है कि इस महीने के शीतकालीन में जो सत्र आएगा नवंबर मास के अंत में, उसमें विधेयक लाएंगे और उस पर जो MLA MP के जो साइन होंगे राज्यसभा लोकसभा के, वो लिख के देंगे और उसकी कॉपी हमारे जो वहाँ दिल्ली बैठे हैं और जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके पास आएगी, और जो हमारे मुकदमे वापसी हैं और जो प्रधान जी ने सीटू के 50 के बारे में बताया और जो MSP पे गारंटी है उसके बारे में जो हमारी प्रक्रिया है उस पे जो रिटर्न में होगा हम तभी विश्वास करेंगे, नहीं तो हम 1% भी ये नहीं मानते कि हमारा कुछ मतलब सरकार ने मानी। अभी सिर्फ मौखिक में कहा गया है, क्योंकि मैं आप भी पढ़े लिखे हो, हम लिखित के रूप में ही विश्वास करते हैं। कह रहे ना किसान कागज़ दिखाओ, कागज़ तो वो दिखाएंगे तो तभी मानेंगे, तो वो आपको भी दिखा देंगे, हम ऐसे तो मानने वाले नहीं हैं। देखो कृषि कानूनों की वापसी होती है, प्रधानमंत्री गुरुपर्व के दिन आकर राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, इस पर जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं वो श्रेय है जो किसानों की जीत का अपने सिर रखने की कोशिश की जा रही, क्या लगता आपको? भाई ये राजनीतिक वाले तो ऐसे हैं जैसे कि ना है लाले, कभी आज इस पर भी गए कल उस पर आ गए, इनका कोई दया ईमान तो है नहीं। बाकी तीनों कृषि कानून में अगर ये बिन्ना में उसे टाइम ले ले पिछली साल तो इतना पैसा बर्बाद नहीं होता, किसान के ना शहीद नहीं होते। अब ये गुरु नानक जयंती पर इसने लिए हैं, वो तो महान आत्मा थी जो उसने तो कहना संसार का उद्धार कराया है, हैं चलो अब भी इसको भगवान ने सद्बुद्धि दे दी, अब भी हम मान रहे हैं। बाकी कहना ही ये तीनों जिस तरह है कि MSP पे गारंटी लेंगे, बिजली विधेयक के ना लागू के ना ही जो कर रखे निरस्त हो गए किसानों की सभी है। एक फैक्ट्री वाले को करोड़ों रुपये सब्सिडी मिलती है, किसान को तो 200-400 मिलती है एक महीने में, बिजली के बिल पर 200-300 रुपए सब्सिडी मिलती है, और उस एक फैक्ट्री वाले को करोड़ों रुपये सब्सिडी के ना मिलती है, इसमें के दो राय है। किसान तो अन्नदाता है, किसान अन्न पैदा करता है, और अन्न पैदा करा कहना हुआ 135 करोड़ जनता उसको खा रही है, ज़्यादा अन्न होड़ा विदेशों में भी जाता है, इसको तो हमने कह दिया पहला सद्बुद्धि दे देते कहना ठीक हो जाए, सद्बुद्धि तो उसी दिए नहीं, रावण वाला अंकार था। तब भाई साहब तीन कृषि कानूनों की वापसी अभी तक हुई है, लेकिन जो अलग मांगे हैं वो नहीं मानी गई है, कब तक संभव है? शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, हम तो चाहते हैं हमारी सभी मांगे इसी शीतकालीन सत्र में मान ली जाए, MSP गारंटी भी दी जाए, हमें जो फसलों का बेचने का संतुलन हो रहा है, 1970 कणक के दाम थे, गेहूँ के दाम थे, लेकिन ये 1500 बिकन लग रही है, जिस भाई के पास घर पर पड़ी है 10-20 मण जो भी है अपनी बचत पड़ी है वो तो उसका उचित भाव नहीं मिलन पा रहा है। किसानों की सभी मांगे मान ली जाएं, हो सकता आगे उसके बाद क्या BJP और JJP को हरियाणा के अंदर वोट लेने का अधिकार होगा? तो सभी मांगे मांग ली जाए तो फिर तो सबका अधिकार है। नहीं, जो 750 किसानों की शहीदी हुई है इन सरकारों की वजह से हुई है, क्या ऐसा है उनका अधिकार रह जाता है हरियाणा में आकर वोट लेना चाहिए? उचित मुआवजा दिया जाए जी, जो किसान शहीद हुए हैं उचित मुआवजा दिया जाए और उनका स्मारक बनाया जाए। दोस्तों फिलहाल बता दें माइये टोल से जो किसान मौजूद थे उनसे बातचीत की है, लगातार हम दिल्ली तक जाने वाले हैं, आज लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।